अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमली व्लॉग्स विद अतिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अभी दोपहर का टाइम है, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी खाना निकालने। बच्चों को तो मैंने पहले ही खिला दिया, बस मैं और मेरे हस्बैंड रह गए थे और ये भी अभी आ गए थे। तो मैं यहाँ पर अभी दोनों के लिए खाना निकाल रही हूँ। और आज मैंने लंच में बस आलू फ्राई एक ही बनाई थी। और यहाँ पर मैं उलवा चारू भी बॉक्स में निकाल रही हूँ। और हमारे यहाँ पर इसे उलवा चारू या फिर कट बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे उतना पता नहीं। तो अभी हम इसी से अपना लंच करेंगे। और ये रेडीमेड में मिल जाता है सुपरमार्केट्स में। तो यहाँ पर अभी मैं निकाल रही हूँ दही बॉक्स में। बस अभी हम अपना लंच कर लेंगे। तो लंच करने के बाद फिर साथ में ही मैंने बर्तन भी सारे धोकर रख दिए थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमली व्लॉग्स विद अतिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज है वेडनेसडे का दिन। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अभी मेरे सारे काम पूरे हो चुके हैं। शाम के जो भी बर्तन और झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा हो गया। थोड़ा मैंने जल्दी ही स्टार्ट कर लिया था, लंच के बाद ही मैंने स्टार्ट कर लिया था। कुछ भी बोर फील कर रही थी तो सोचा कि आज थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट कर लूँगी। तो ऐसे ही मैंने पूरे काम कर लिए थे और अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ। और इनका स्नैक्स का टाइम भी हो गया था तो मैंने फलियाँ उबालने के लिए रख दिए थे। तो अभी वो फ़िलहाल हो रहे हैं और थोड़ी देर में मैं इनको निकाल के दे दूँगी। और अभी रात का डिनर भी मुझे बनाना है तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी। शाम के 6 बजे के करीब मैं स्टार्ट करूँगी। तो फिलहाल अभी बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और घर में इतना अंधेरा अंधेरा सा क्यों है, मतलब लाइट चली गई है, करंट नहीं है हमारे यहाँ पर। अभी करंट जाकर 30 मिनट्स के ऊपर ही हो चुका है तो देखेंगे कब तक आएगा। तो इसलिए घर में थोड़ा गर्मी हो रही थी तो बच्चे यहाँ पर बालकनी में आकर बैठ गए हैं और यहीं पर खेल रहे हैं। और माशाल्लाह आज का मौसम तो बोलो ही मत, कितना अच्छा मौसम है, अच्छी खासी हवा आ रही है। तो मैं भी अभी यहीं पर ही बैठूंगी थोड़ी देर इनके साथ। सलाम वालेकुम। सलाम करियम। क्या लिखते हैं तुम्हें? तुड़िया था ना वो? सलाम वालेकुम बोलो। उधर लिखो, उधर उसमें लिखो। ऐसा करते हैं क्या? उसमें लिखो, लिखो अल्फाबेट्स, लिखो ए बी सी डी। पापा। अयान क्या खाते हैं? क्या बोलो? क्या कलर अयान का लॉलीपॉप? पर्पल। बाबू का पर्पल का। बाबू का शर्ट भी? बाबू का पर्पल का। पर्पल कलर का पर्पल का। पर्पल शर्ट भी पर्पल, लॉलीपॉप भी पर्पल। वाव। दीदी का ही पर्पल। दीदी का भी पर्पल ही छे। आयान बाबू का, दीदी का, दोनों का पर्पल। मम्मी को का? मम्मी को। और अभी मैं यहाँ पर फलियाँ चेक करने आई थी तो देखा तो फलियाँ अच्छी तरह से उबल चुके हैं। और अभी मैं इसका पानी पूरा निथार दूंगी, फिर उसके बाद मैं एक बाउल में निकाल के बच्चों को दे दूंगी। Thank you.
मैं आ गई हूँ किचन में। रात का खाना मुझे बनाना है और अभी टाइम 7:15 बजने वाले थे, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। बस मुझे अभी रात का डिनर में बनाना है रोटी और साथ में अंडा बुर्जी, या फिर अंडे का खारस भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ तो खारस ही बोलते हैं, तो वही अभी मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने उसके लिए 4 प्याज लिए थे और 4 हरी मिर्च मैंने लिए थे, इनको अभी अच्छी तरह से मैंने बारीक काट लिया है और इसे मैं अच्छी तरह से भुनूंगी। जब तक भुनेंगे तब तक कि इसका ऑनियंस का कलर चेंज होना है और अच्छी तरह से गल भी जाना है। ये गल जाने तक हम ऐसे ही भुनते रहेंगे तेल में। और इस यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है हल्दी और थोड़ा बहुत नमक, और फिर एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढक के पकाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह से भुन चुके हैं और गल भी चुके हैं और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। बस अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी और प्याज गलते गलते 10 मिनट्स लगा मुझे बस। और यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है ताकि प्याज अच्छी तरह से और गल जाए। और 5 to 10 मिनट्स मैं ऐसे ही कुक कर लिया है। और बस अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी अंडे। तो अंडे मैंने लिए थे 3, इनको फोड़ के डाल रही हूँ। तो अंडे 3 मैंने डाले हैं और इसे अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर ढक के हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। बस 5 मिनट्स के लिए मैं इसे ढक के पकाऊँगी। पाँच मिनट के बाद हम अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे और 5 to 7 मिनट्स में ऐसे ही पकाऊंगी ढक के, ताकि इसका रॉ स्मेल जो भी है वो सब कुछ गायब हो जाए। तब तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए। और यहाँ पर मैंने रोटियाँ बेलना भी शुरू कर दिया है ताकि दो काम भी जल्दी साथ में हो जाए। वहाँ पर सालन भी बनता है और बन रहा है और यहाँ पर मैं रोटियाँ बेलना भी शुरू कर दिया है। अभी फाइनली सालन में मैंने ऐड कर दिया है लाल मिर्च पाउडर और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक के 5 मिनट्स में पकाऊंगी। तो अभी 5 मिनट हो चुके हैं, बस अभी मैं यहाँ पर इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। सालन हमारा बनके तैयार है। बस आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, इस तरह बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और सुहाना को तो बहुत ही पसंद है रोटी के साथ अंडा बुर्जी। और यहाँ पर सालन बन गया है, बस रोटियाँ सेकना बाकी रह गया था। अब ये भी मैं सेक के रख दूँगी सारे रोटियाँ। और रोटियाँ सेकते वक्त बस बच्चों के लिए तो तेल लगा दूँगी और मेरे लिए मेरे हस्बैंड के लिए तो बिना तेल के फुलके बनाऊँगी सूखे रोटियाँ। बस अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है। बस मुझे अभी थोड़ा बहुत काम रह गया है किचन में, वही अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं अभी कल के नाश्ते का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया है। तो बैटर अभी मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ
और उसके बाद मुझे थोड़े बहुत डिनर के बर्तन भी है श्रिंक में, वो भी मुझे धोकर रखना है। और अयान आ गए थे यहाँ पर, अभी तक तो वो फ़ोन देख रहे थे, फ़ोन में वीडियोस, अभी वो भी आ गए। बस उनको अभी नींद आ रही है क्योंकि दिन में आज नहीं सोए थे, तो थोड़ा बहुत अभी थक गए हैं, तो उनको अभी सोना है, तो वो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं मुझे, और मैं भी जल्दी जल्दी से फटाफट से सारा काम करके उनको सुलाने ले चलूँगी।